आज का कोसली स्वाद रे दही भिंडी बना है छी। बहुत इजी प्रोसेस आ बहुत कम जिनिस के ने करी मु ये दही भिंडी बनी छी। सबके डिनर जुहार मुइरीना मोर चैनल कोसली स्वाद के आपन मान के स्वागत करु छी। मु ये दही भिंडी रो रेसिपी केनता करी बनी छी जे चलुन तार प्रोसेस टा हमें देखिनामा। सबुतरो पहला हमें गैस रे गुटे फ्राइंग पैन टे गरम करमा। सेतिरे गुटे चामच सेवा तेल देमा। सेतिरे यहा दे मुई एटा भेंडी भाजी। भेंडी के देखुन मुई एंता साइज रे काटी छे। आ उठी बड़ बड़ पसंद करसन बेले बड़ बड़ करि परबे। बाकी पट्टा तापरे बड़ बड़ करि काटले काना कि भितरे जदी कीड़ा पोक थिबा बेले जना नि पड़े। एतले मुई एड़की साइज हिसाब एटा काटी दे छे। जस्ट टिके बागे भाजली आ एथिरे एटा नून टिके दे छे, हल्दी टिके दे छे आ मिर्चा गुण टिके दे छे। नून हल्दी मिर्चा गुण एथिरे टिके दामा बेले नै फिका फिका नै लागे। जेहेतु आमके दही के आर फुटाबार नै न, दही रे खाली पकाबार अछे। हेतिले इने नून हल्दी आउ मिर्चा गुण टिके देकर यहाँ दे टिके सुखा सुखा हेबा जिनका हेतकी बेल तक भाजमी। एटा के टिके ढापी ढापी भाजमा टिके जल्दी सिझबा बोलिकरी। एंता मिनटे रु दुई मिनट घे घे टाके अड़े करी भाजी दौथमा। जेतकी बेल तक आम भेंडी टा टिके सुखा सुखा नहीं हेबा, टिके सिझला बागे नहीं लगवा नहीं, हेतकी बेल तक एटा के भाजबे। यहाँ देखुन भेंडीटा भल होकर भाजी हो गलान। एतकी बतरे आमको भेंडी के भाजबार अच्छे। जेहेतु यहाँ के टे अति कचा कचा रखमा बोले तो फुटाबार नहीं नती भनिले जेनता पूरा ठीक हिसाब से सीझा। हेतक बेल तक आम ये भाजी देमा। भेंडी भाज सारापर दही नहीं छे मुई आठ चामच हेबा फ्रेश दही नेमा। इथे चलुन आम मसला मान देमा, अति बेसी मसला भी देवा नहीं नईरे। तार पर यहाँ देखुन मुई ये साधा नून दे छे। साधा नून दे सारा पर बीट नून दे, बीट नून दे सारा पर यहाँ दे मुझे इटा जीरा गुंड दे जेनटा कि टिके भाजी करी इटा के ग्राइंडिंग करी रखी थी मुई। तार पर यहाँ दे इने आम दमा मिर्चा गुंड टिके बागे टिके राग मिर्चा दमा। जेहेतु इचिरे आउ मिर्चा मुर्ची एंता देवार नहीं नती राग मिर्चा टिके इने दमा बोले टिके राग राग लगवा। तार पर मुझे इटा धनिया पतर गुड़ा दू दे इचिरे। धनिया पतर के दे सारा पर आम इटा के भल कर मिसे दमा। एतकिन इटा सब देली आउ यहाँ दे मुई ह्विस्कर थी इटा के मिसे दीछे। अति बेसी बिल तक इटा के तार मैंने ह्विस्कर नहीं चलाबे। जह जब चले दे घेंगलिया घेंगलिया लाइन लग्सी आते भल नहीं लगे। ठीक बतरे तार मैंने जेनता दहीटा मिसी जावा हेतकी बिल तक इटा के मिसे देवी। दहीटा मिसे सारा पर इथिरे पैन देवी। पैनटा निज टेस्ट हिसाब से बैलेन्स करबे। इटा भी जदि बहला टिके पसंद करसन बेले टिके कम पैन देबे, आउ जदि टिके पैन पैनटा खेबा लागि पसंद करसन बेले टिके अधिका पैन देबे। तार परे मुइ देखुन इटा भेंडी के दे दिछे ई उपरे। भेंडीटा हेंता भी थंडा हि जैतला न, आउ भेंडी दे सला परे इटा के आर्घे भल करि मिसे दमा। से पैन रे खा या से चालुन तड़का लगामा। तड़का लगा बाले इटा मुइ गैस रे गरम कय दिछे। इहा दे इथिरे रिफाइन तेल दिछे डेढ़ चामच हेबा। तेल के गरम हेबार के देली आउ यहाँ दे इथिरे मुई पचफुटन पकेछे। पचफुटन जगार खाली सोरसो के खाली जीरा भी नहीं पार्बे जेन माने पसंद नहीं करन। पचफुटन फुटीगला जेनता इटा मुई सुखा मिर्चा दुईटा देछे आउ लेसुन जेनटा चुपा थे पाँचटा रु छटा हेबा जस्ट टिके चुपी दे थी खाली। आउ तार परे मुई इने देछे मुसंगिया पतर। एतकी के यहाँ दे आम इटा परचिमा। इटा के टिके भाजी दमा तेल थी टिके कर तार मैंने आमर लेसुन टा भी टिके भाजी हो जावा जेनता। इटा के टिके थंडा करमा आउ दही उपर पकामा। दही भेंडी तो आगर रेडी कर रखीछू। यहाँ दे पर्जनाटा तार उपर देमा। जेन मैंने लेसुन निकन लेसुन के स्कीप करें बाकी सब प्रोसेसटा सेम रहा। यहाँ दे इटा के भल कर मिसे दमा आउ अधा घंटा तो इटा के ढापिक रखीदमा बोले भेंडी दहीटा पशिजा आउ बहुत भल लगवा। इटा के फ्रिज रे भी रखिकर खाईपारे जेन मैंने थंडाटा पसंद करसन। देखले तो केते सहज आउ केते सुंदर हिसाब से आज का आम दही भेंडी बनाला। थे एंता कर दही भेंडी बनई देखूँ आउ आपंकर दही भेंडी केनता है मोर संगे आपंकर भावनाटा सेयार करूँ। भल लगला बेले लाइक के करबे, फ्रेंड सर्किल रे शेयर करबे आ मोर चैनल कोसले स्वाद के सब्सक्राइब करबार लागि नै भूलबे। पाखे थिबा बेल आइकन के प्रेस कर देबे जेन थेले आके जेन रेसिपी मुई देमी तार नोटिफिकेशन टा आपण माने आगो पई पारबे। हो रहली जुहार फेर के भेटबा आर गुटे नुवा रेसिपी रे।